अस्सलाम वालेकुम मेरे सोने सोने चैनल के व्यूवर्स, आपका किचन में खुशामदीद। मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज मैं आपके लिए रेशेदार हलीम की ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिसे बना के आप बाजार से मिलने वाली हलीम का टेस्ट भूल जाएंगे। हलीम बनाने के लिए मैंने एक पाव गंदुम, एक पाव चावल, आधा पाव मूंग दाल, आधा पाव माश दाल, आधा पाव मसूर दाल, आधा पाव चने की दाल, इन सबको अच्छे से साफ करने के बाद मैंने इन्हें अच्छे से धो लेने। मैंने इनको पानी से वॉश करने के बाद कम से कम मैंने इनको 6 से 7 घंटे के लिए भिगो दिया है। मसालों में मैंने साबुत मसाले जिनमें 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, बादियान का फूल, तेज़पात, 10 दाने मैंने काली मिर्च को लिए हैं और 4 अदद मैंने लौंग लिए हैं, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 कप दही, 1 टेबलस्पून सूर्ख मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 1.5 कप ऑयल का, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा। इसके अलावा मैंने बीफ का 1.25 किलो गोश्त लिया जिसे मैंने धो के साफ़ कर लिया है, 4 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए जिनकी मैंने कटिंग कर ली है, 5 से 6 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं जिनकी मैंने कटिंग कर ली है, 1 अदद मैंने लेमन लिया है, 3 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। दालों को भिगोए हुए हमें 6 से 7 घंटे हो गए हैं। अब मैंने एक देगचा लिया जिसमें अपनी सारी दालें ऐड कर दी हैं। अब मैंने इसके अंदर कम से कम 3 जग पानी के ऐड किए हैं। आपने पहले फ्लेम को हाई रखना है, फिर आपने इसको मीडियम लो कर देना है कम से कम 1 घंटे के लिए। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की और साथ ही मैंने इसके अंदर साबुत मसाले ऐड किए हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अब मैंने इसको कवर करके 1 घंटे के लिए रख दिया है। हलीम के लिए गोश्त को रेडी कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है जिसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं। प्याज को अपने अच्छे से फ्राई करना है। जब अब ये ब्राउन हो जाएंगे फिर इसके अंदर हम गोश्त को ऐड करेंगे। और प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं हमारे। अब मैंने इसके अंदर गोश्त को ऐड किया है और मैंने इसको अच्छे से 5 मिनट के लिए भूनना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। प्याज फ्राई करने से जो आपकी हलीम है वो बहुत फ्लेवरफुल हो जाती है। और इसमें से थोड़े से प्याज मैंने निकाल लिए हैं जो मैं गार्निशिंग के काम आएंगे मेरे। आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि मैंने मसालों को ऐड किया लेकिन मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट अभी ऐड नहीं किया। वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ कि वो मैंने कब ऐड करना है। अब मैंने इसके अंदर 3 अदद टमाटर ऐड करने हैं जिनकी मैंने प्यूरी बना ली है और इनको 2 से 3 मिनट तक पानी ड्राई होने तक इनको मैंने भूनना है। टमाटरों का पानी ड्राई हो चुका है। इस पॉइंट पे आके मैंने अब दही लिया है 1 कप और उसके अंदर मैंने हल्दी ऐड की और साथ ही मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसे गोश्त में ऐड किया और मैंने अपनी जो फ्लेम है बिल्कुल लो कर दी है। दही जो अपना पानी छोड़ता है हमने इसी में इसको गोश्त को पकाना है और गोश्त को अच्छे से भूनने के बाद फिर मैंने इस सारी मिक्सचर को दाल में ऐड कर देना है और जो हमारा जो गोश्त है ना वो बाकी दाल के अंदर ही गलेगा। मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को हलीम बहुत पसंद है इसलिए मैं इसको बहुत शौक़ से बनाती हूँ। और यकीन करें कि आप ये हलीम बनाएंगे अब बाज़ार की हलीम तो भूल ही जाएंगे। अच्छा जी, मैं इसके अंदर से थोड़ा सा ऑयल निकाल रही हूँ जो मेरे आगे जाके गार्निशिंग के काम आएगा। हलीम का चावलों के साथ, नान के साथ तो लहदा से ही मज़ा आता है। देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। तमाम दालों को पकते हुए 1 घंटा हो गया है। अब मैं इसमें से साबुत मसाले निकाल दूंगी और इसके अंदर ही मैं गोश्त को ऐड करूंगी। जो हमारा गोश्त है वो दालों के अंदर ही पकेगा और इसके अंदर मैं पानी का 1 जग ऐड करूँगी ताकि जो दाल है वो भी गल जाए और जो गोश्त है वो भी इसमें गल जाएगा। और कम से कम मैं 1/2 घंटे के लिए अब इसको पकने के लिए रख दूँगी। इसमें मैंने कटिंग की हुई हरी मिर्चें ऐड की हैं। अब मैंने इसको कवर करके रख दिया है मीडियम लो फ्लेम पे 1/2 घंटे के लिए। दालों को और गोश्त को पकते हुए 1/2 घंटा हो गया है। अब मैं इसको चेक करूंगी कि अब ये गल चुका है। माशाल्लाह देखें हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। अब मैं सारे गोश्त को निकाल लूँगी और इसको श्रेड कर लूँगी। गोश्त को मैंने श्रेड कर लिया है और मैं इसमें ऐड करूँगी। अब मैं इसको घोटा लगाऊंगी जैसे कि सब लगाते हैं। मैंने इसमें कोई ब्लेंडर, कोई चॉपर, कोई चीज़ यूज़ नहीं की। अब मैंने इसको अच्छे से इसी के साथ ही इसको ब्लेंड करना है
और देखें कितना अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन यकीन करें इस तरह अगर आप हलीम बनाएंगे तो आपकी हलीम कमाल की बनेंगी। देखें कितनी रेशेदार और कमाल की हमारी हलीम बनी है। पहले लोग इसी तरह हलीम बनाते होते थे इसलिए उनके खानों में बहुत टेस्ट होता था। अब जो मैंने ऑयल इसमें से निकाला था वो मैंने इस पॉइंट पे ऑयल ऐड करना है और साथ में तली हुई प्याज ऐड की है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब मैं गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर तली हुई प्याज जो मैंने लैदा से रखी थी वो ऐड करूँगी और साथ ही इसके अंदर मैं हरा धनिया, हरी मिर्चें और लेमन के पीसेज ऐड करूँगी। साथ ही मैं ब्रीक कटिंग की हुई अदरक ऐड करूँगी। ये रही मेरी हलीम की फाइनल लुक। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।